हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के थर्ड वीडियो में बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन के विषय में स्टडी करेंगे। इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो थे उसमें हम लोग एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के विषय में पढ़े थे, टाइप ऑफ क्रॉप्स पढ़े थे, है ना, और क्रॉप प्लांट्स क्या होते हैं, इन सब के विषय में स्टडी कर चुके हैं। तो वन बाय वन करके आज हम लोग इस थर्ड वीडियो में पहुंच गए हैं, बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, है ना। तो बेसिक प्रैक्टिस होता क्या है, इसका भी आउटलाइन फर्स्ट वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। जैसे कुछ स्टेप होते हैं, है ना, तो देयर आर मेनी स्टेप्स एंड कंडीशन इन्वॉल्व इन बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो इसमें बहुत से स्टेप्स होते हैं, है ना। तो बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस या बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन में देख लीजिए, बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन क्या है। जैसे पहला आज यहाँ हम लोग देखेंगे, सेलेक्शन एंड लोकेशन ऑफ नेचर ऑफ सॉयल। पहला क्या है, सेलेक्शन ऑफ लोकेशन, सेलेक्शन ऑफ लोकेशन एंड नेचर ऑफ सॉइल। जैसे पहला पॉइंट हमारा है सिलेक्शन, चूज करना, सिलेक्शन ऑफ लोकेशन। तो सिलेक्शन ऑफ लोकेशन में आप लोग जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, कोई भी क्रॉप है उसे शो करने के लिए वो किस प्लेस पे, किस क्लाइमेट में, किस जियोग्राफिकल रीजन के लिए अवेलेबल होता है, ये जानना जरूरी होता है ना। तो हेल्दी ग्रोथ तभी होगा जब प्लांट नीड, जैसे किसी भी पौधे को हेल्दी ग्रोथ के लिए हमें कई चीज़ों की जरूरत होती है ना। जैसे उसके लिए हमें एयर चाहिए, सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए और न्यूट्रिएंट चाहिए। तो ये जो फोर पॉइंट है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। तो डिफरेंट क्रॉप नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ सॉयल। तो जैसे जितने भी क्रॉप्स हैं, क्या सभी एक ही टाइप के न्यूट्रिएंट्स को लेंगे, नहीं, इसलिए उन्हें डिफरेंट सॉयल की जरूरत होती है। क्यों डिफरेंट सॉयल, बिकॉज डिफरेंट सॉयल कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो देयर फॉर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन एग्रीकल्चर इज राइट चॉइस ऑफ सॉयल एंड इट लोकेशन, है ना। अगर इसका एग्जाम्पल ऐसे आप लोग देख लीजिए, जैसे चाय की जो खेती होती है, अधिकतर हम लोग के यहाँ तो होती नहीं है, होती है कहाँ, असम साइड में, हिली एरिया में। तो उसका एक लेवल होता है कि कितने हाइट पे, कितने ह्यूमिडिटी में, कितने टेम्परेचर पे पौधा सुटेबल ग्रोथ कर सकता है ना। तो द क्रॉप फील्ड शुड बी ओपन सो दैट सफिशियंट एयर सनलाइट आर अवेलेबल टू द प्लांट्स, है ना। तो हमें ओपन फील्ड चाहिए। दूसरा है, द फील्ड शुड बी फेंच फ्रॉम ऑल द साइड सो दैट स्ट्रे कैटल्स आर नॉट एबल टू हार्म द क्रॉप्स। जैसे देखते हैं ना, आज के डेट में जितने भी किसान हैं सभी लोग परेशान हैं। क्यों परेशान हैं, क्योंकि जितने भी कैटल्स हैं, चाहे वो काऊ हो, है ना, या वो फैलोज हैं, जैसे उसमें उसके वैरायटी होते हैं मेल, ये सब क्या करते हैं, चर दे रहे हैं, ग्रेजिंग कर जा रहे हैं, है ना, ओवर ग्रेजिंग कर दे रहे हैं, किसान परेशान है बेटा। इसलिए जो हमारी क्रॉप फील्ड होती है उसका प्रोटेक्शन जरूरी है ना। तो बाउंड्री लगी होनी चाहिए। फिर है, द सॉयल शुड कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय द क्रॉप्स। तो जो भी सॉयल है उसमें सभी न्यूट्रिएंट्स क्या होना चाहिए, जैसे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उस सॉयल के अंदर अवेलेबल होना चाहिए, जिससे पौधा क्या करे, ऑब्जर्व कर सके, है ना। तो ऑब्जर्व करेगा तभी वो हेल्दी ग्रोथ करेगा। द नीडेड बाई क्रॉप्स द सॉयल मे बी गेट टेस्टेड फॉर इट क्वालिटी एंड एनी सॉयल टेस्टिंग सेंटर। जैसे हर जिले लेवल पे या मंडल लेवल पे होता है सॉयल टेस्टिंग सेंटर होते हैं। तो जो सॉयल टेस्टिंग सेंटर होते हैं, यहाँ अपने सॉयल का, मिट्टी का भू परीक्षण करना चाहिए, है ना। किसी भी फील्ड में से देखते हैं, जब टेस्ट किया जाता है
6 इंच के आसपास 5-6 इंच मिट्टी खोद ली जाती है, ठीक है, उसे भेज करके देखा जाता है उसके एसिडिटी को, एसिडिटी को, है ना, उसमें साल्ट कौन सा है, इतना नहीं है, इन सब चीज़ों का टेस्टिंग किया जाता है, जिससे कि पौधे को किस चीज़ की ज़रूरत है उसको उसमें किया जाता है, मिक्सिंग किया जाता है ना। हम कह रहे हैं उसे फास्फोरस की कमी है ज़मीन में, अगर उसमें फास्फोरस नहीं है, हम कुछ और भी दें तो अभी तो प्रॉब्लम है। तो हमें जो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट होते हैं उनकी ज़रूरत क्या क्या है पौधे का, वो हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो पहला हमारा हो गया क्या, सेलेक्शन ऑफ लोकेशन एंड नेचर ऑफ सॉयल। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सॉयल में कौन सा न्यूट्रिएंट है, कौन सा पौधा इसके लिए अवेलेबल है, ठीक है। सेकेंड नंबर आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, देखिए ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि प्रिपरेशन ऑफ सॉयल जो होता है मोस्ट होता है, सबसे पहले हम तैयार करते हैं खेत को, है ना। तो खेत तैयार करेंगे तो मिट्टी क्या होगी, भुरभुरी होगी, उसमें एयर मिक्स हो जाएगा, जो भी वीड्स होंगे वो क्या होंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जो भी इंसेक्ट हैं, है ना, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो इस तरह से सेकेंड स्टेप हमारा क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉयल है, इसमें सबसे पहले प्लाउइंग किया जाता है ना, प्लाउइंग, प्लाउइंग मीन्स जैसे हल से जुताई होती है ना, तो वही प्लॉविंग होता है। प्लॉविंग के बाद सेकेंड जैसे पॉइंट आता है, जैसे लेवलिंग किया जाता है, क्या लेवलिंग, लेवलिंग का मतलब समझ रहे होंगे, जैसे जो मिट्टी होती है ना, तो जिगजैग हो जाती है, ऊबड़ खाबड़ हो जाती है, उसे बराबर किया जाता है, या जो बड़े साइज के सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उन्हें तोड़ करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या किया जाता है, चेंज कर लिया जाता है। और थर्ड नंबर आता है मैनोरिंग, तो जो मैनोर होता है, जैसे जैविक फर्टिलाइजर हुआ, चाहे केमिकल फर्टिलाइजर है, तो यहाँ मैनोर्स का मतलब हमें जैविक से है, जैसे गोबर की खाद होती है ना, कंपोस्ट खाद होती है, इन सबको उसमें क्या किया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है, जिससे उसकी क्या हो, फर्टिलिटी बढ़ जाए। तो जो प्लॉविंग होता है, प्लॉविंग देखते हैं एक कुछ ट्रेडिशनल मेथड भी हैं, जैसे पहले लोग बैल से हल कर रहे थे, हल से जुताई कर रहे थे, है ना। तो द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग अप ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टीलिंग या प्लॉविंग। प्लॉविंग क्या होता है, मिट्टी का चीरना, है ना, मिट्टी की जुताई करना, तो इसका ये डेफिनेशन हो जाएगा द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग अप ऑफ सॉइल इज कॉल्ड प्लॉविंग, ठीक है। तो प्लॉविंग तो हो गया, अब प्लॉविंग में आप देखे होंगे, अब आज की डेट में कल्टीवेशन, जैसे कल्टीवेटर हैं, क्या है, कल्टीवेटर के थ्रू जुताई की जा रही है, ट्रैक्टर देखे हैं ना, पहले क्या ट्रेडिशनल मेथड में बैल से की जाती थी, प्लाउ रहता था, है कि नहीं, तो उसमें कई चीज़ें थे। तो लूजिंग ऑफ सॉइल बाई प्लॉविंग हैज बीन फॉलोइंग एडवांटेज, तो हम क्यों प्लॉविंग करते हैं, इससे कुछ लाभ होते हैं, है ना, क्या एडवांटेज है उसे जान लीजिए। जैसे टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू टॉप, सो दैट प्लांट कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट्स, जैसे वो मिट्टी पलट जाती है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, तो जो न्यूट्रिएंट होते हैं रेस्ट स्टेज में नीचे की तरफ ऊपर आ जाते हैं, ऊपर वाले कहाँ चले जाते हैं, रेस्ट स्टेज में, है ना। तो इस तरह से जो भी उसमें वीड्स होते हैं वो सब भी क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और वो पोरस हो जाती है, जो मिट्टी क्या होती है, पोरस हो जाती है, पोरस हो जाएगी तो एयर उसमें क्या होती है, अब्जॉर्ब हो जाती है, प्लस जो पौधे होते हैं उनका रूट भी पेनिट्रेट करता है नीचे तक, तो इससे कई लाभ है ना। जुताई करने से, प्लाविंग करने से एरिएशन भी हो जाता है रूट के अंदर, तो इसके लाभ है। सेकेंड है लेबलिंग, क्या है लेबलिंग, तो लेबलिंग के लिए वुड प्लांक होता है, जैसे आप लोग देखे होंगे गांव में ऐसे बनाए गए रहते हैं, वुड प्लांक होता है, जैसे ट्रैक्टरों में भी जो रोटावेटर होता है ना उसमें लेबलर पीछे लगा होता है, इसी तरह लकड़ी का बना रहता था पहले, जिसे पौधों के द्वारा, अरे क्या बोलते हैं, बैलों के द्वारा खींचा जाता था लेबलिंग करने के लिए, है ना। तो ये जो लेवलर होता है, ये मिट्टी को क्या करता है, प्लेन कर देता है, समतल कर देता है, जो भी बिग साइज के सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उन्हें छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या करता है, तोड़ देता है ना, तो क्रैश करता है बिगर टंक्स को और ड्राई सॉइल को, सिंपलर पीसेस में, ठीक है। नेक्स्ट है मैन्यूरिंग, तो जो मैन्यूरिंग होता है ये इंपॉर्टेंट है बेटा, क्यों, क्योंकि इसमें मैन्यूरिंग में पौधे में जो कमी होगी किसी भी न्यूट्रिएंट का, है ना, अगर मान लीजिए किसी न्यूट्रिएंट की क्या है उसमें कमी है, तो उसको क्या करेगा, सप्लाई देता है, तो
मिक्सिंग सॉइल विथ मैनोर्स इज कॉल्ड मैनोरिंग। अगर मैनोर्स को हम सॉइल में मिक्स कर दें, है ना, इसी को क्या करें, मिक्सिंग कर दें, इसमें मिक्सिंग इनटू सॉइल, सॉइल में अगर हम मिक्सिंग कर दे रहे हैं, दिस फिनोमिनम या दिस प्रोसेस नोन एज मैनोरिंग, इसी को क्या कहेंगे, मैनोरिंग कहा जाता है। ठीक है, तो मैनोरिंग इज मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। अभी होता है क्या, पहले से जानिए, एक्चुअली केमिकल नहीं होता है, ये क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड सब्सटेंस होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जैसे कैटल्स के डंक होते हैं, है ना, जिसमें हम लोग गोबर करते हैं, कुछ वेजिटेबल पार्ट्स होते हैं, वेजिटेबल्स या एनिमल्स वास्ट होते हैं, जो वास्ट होता है ना, यही सब जो सड़ जाते हैं, डे डिकेइंग हो जाते हैं, इन्हीं को मैनोर्स कहा जाता है। ठीक है, डिकम्पोज हो जाते हैं, डिकम्पोज किससे होंगे पता ही आप लोगों को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये इन्हें क्या करते हैं, डे एंड डिके कर देते हैं, पड़ा गला देते हैं, और यही लास्ट में चेंज हो जाता है किसमें, ये माइनोर्स किसमें चेंज हो गया है, अरे ये जो वास्ट प्रोडक्ट है माइनोर्स में, तो जो माइनोर्स होता है इसमें कई न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन होता है ना, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, ये सब स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट हैं जो पौधों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना, इसके अलावा भी कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो माइनोर्स ऑल्सो इम्प्रूव द फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल, अर्थात इनके मिक्स कर देने से जो उसका टेक्सचर है, नेचर है सॉइल का, वो चेंज हो जाता है ना। तो सम इम्पॉर्टेंट कॉमनली यूज मैनोर्स आर, जैसे कई तरह से इसको, जैसे फॉर्मयार्ड मैनोर्स होते हैं, तो फॉर्मयार्ड मैनोर्स में क्या होता है, यव यम फॉर्मयार्ड मैनोर्स में, दिस टाइप ऑफ मैनोर्स मेनली कंसिस्ट ऑफ एनिमल डंग, एनिमल डंग स्ट्रॉ लीव्स यही सब आते हैं इसमें, है ना, एनिमल डंग आएगा, गोबर, और क्या लीफ आएंगे, लीव्स, और क्या आएंगे, स्ट्रॉ, जैसे भूसा होता है ना, ये सब सड़े गले चीज़ें, तो ये सब मिक्स होकर के जब सड़ते हैं, डिकम्पोज होते हैं, तो ये चेंज करते हैं, हो जाते हैं किसमें, मैनोर्स में, इसी को फॉर्मयार्ड मैनोर्स कहा जाता है। ग्रीन मैनोर्स आप लोग देखे होंगे जी, हम ग्रीन मैनोर्स, इट कंसिस्ट ऑफ एग्रीकल्चर वास्ट कॉमनली फ्रॉम द लेगुमिनस क्रॉप, लेगुमिनस लेगुमिनस क्रॉप, जैसे लेगुमिनस क्रॉप तो कई हैं, बट इसमें हम लोग देखे होंगे देहात में, जैसे जिसको हम लोग ढैचा बोलते हैं, ढैचा होता है ना, उसकी क्या होती है, लेगुमिनस प्लांट है, उन सबके बुआई होती है, जब वो बड़े हो जाते हैं फिर उन्हीं को उसमें क्या किया जाता है, प्लॉइंग कर दिया जाता है, जिससे कि वो सड़ करके, इसमें लेगुमिनस है, लेगुमिनस का मतलब क्या है, उसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज कर लेते हैं, और नाइट्रेट आप जानते हैं पौधे का क्या है, न्यूट्रिएंट है, तो इस तरह से ये चेंजिंग आ जाता है इनके अंदर लेगुमिनस प्लांट में, कि सड़ने से उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है ना। फिर है कंपोस्ट मैनोर्स, तो कंपोस्ट क्या होता है, कंपोस्ट मैनोर, जो कंपोस्ट मैनोर होता है, तो कंपोस्ट मैनोर इज मेड फ्रॉम द कैटल शेड वास्ट, कैटल शेड वास्ट, जैसे जहाँ पे कैटल उसमें बांधे जाते हैं ना, रखे जाते हैं, तो उनके नीचे जो उनका डंक होता है या अदर हाउस होल्ड थिंग्स होते हैं, जैसे पुआल होते हैं, ये सब जैसे उसके नीचे क्या होते हैं, कैटल शेड्स वास्ट, ड्राई लीव्स, ये सब जब सड़ते हैं तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसमें उनका जो यूरिन होता है ये भी मिक्स हो जाता है, उसमें नाइट्रोजन होता है ना, तो इस तरह से कंपोस्ट मैन्योर भी बनता है। तो इस तरह से हमारा सेकेंड हो गया क्या, प्रिपरेशन ऑफ सॉयल। अब जैसे थर्ड है, थर्ड नंबर आ रहा है किसका, सेलेक्शन ऑफ सीड, सेलेक्शन ऑफ सीड, तो सेलेक्शन ऑफ सीड में देख लीजिए, एंड सोइंग है, एंड सोइंग, ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि अगर हम सब कुछ तैयारी कर लें, अगर हमारा सीड्स ही अच्छा ना हो तो जर्मिनेशन सही नहीं होगा, जर्मिनेशन सही नहीं होगा तो
हमारा प्रोडक्शन सही नहीं होगा, है ना। तो सीड सिलेक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आफ्टर द फील्ड ऑफ प्रिपरेशन हमें किसकी ज़रूरत है? सीड, और सेलेक्टेड करने का कौन सा सीड, हाइब्रिड बोए हैं या हाईली प्रोडक्शन वाली सीड्स बोए हैं, है ना। तो वाइल सेलेक्टिंग सीड्स फॉलो सजेशन शुड बी केप्ट इन माइंड, ये हमें अपने माइंड में क्या करना है, रखना है सबसे पहले। तो सेलेक्ट मान ली गुड क्वालिटी, जब भी हमें सीड्स का सिलेक्शन करना है तो किस क्वालिटी का, गुड क्वालिटी का सीड्स होना चाहिए, डिजीज रेजिस्टेंस होना चाहिए उसमें, डिजीज रेजिस्टेंट, डिजीज रेजिस्टेंस का मतलब समझ रहे हैं, मतलब उसमें प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा हो, मतलब जैसे फंगस लगते हैं ना, पेस्टिसाइड लगते हैं, इसके पास एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए पौधे के अंदर, तो उससे क्या करे, फाइट कर सके, है ना। और तीसरा उसमें क्या हमारा पॉइंट होना चाहिए सीड्स के अंदर, हाई, हाई मीन्स अधिक, वाइल्ड सीड्स मतलब उसमें प्रोडक्शन प्रोड्यूस करने का क्या हो, कैपेसिटी हो, ज़्यादा ग्रेन्स प्रोड्यूस कर सके, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। दूसरा चीज़ है ट्रीट द सीड विथ फंगिसाइड बिफोर सोइंग, जैसे ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट था सीड के लिए। दूसरा जैसे हमारा पॉइंट बन रहा है कि जैसे कोई भी सीड्स है तो सीड्स को ट्रीट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किसी न किसी फंगिसाइड से, जो फंगिसाइड होते हैं ना, कोई भी फंगस है क्यों तो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा सीड्स, अगर ये है तो उस इंसेक्ट को मारेगा जो फंगिसाइड्स होते हैं। इस तरह से हमारा सीड क्या होगा, अच्छा रहेगा, जर्मिनेट करेगा। तो सीड्स आर देन सो इन फील्ड बाई द टू मेथड। अब देखिए ये तो हम सिलेक्शन कर लिया, अब सोविंग कैसे करेंगे, तो सोविंग करने के लिए कई मेथड है, जैसे बाई स्कैटरिंग मेथड, बाई स्कैटरिंग मेथड। तो जो स्कैटरिंग मेथड होता है इसमें देखते हैं, हम लोग विलेज से ही बिलोंग करते हैं, उसमें किसान क्या करते हैं, स्प्रे क्या करते हैं, जैसे स्कैटरिंग लेकर के उसको क्या करते हैं, छिड़क देते हैं फील्ड के अंदर, और किसी न किसी ट्रैक्टर या कल्टीवेटर से उसको जुताई कर देते हैं, लेवलिंग हो जाता है, उसकी बुवाई हो जाती है ना। तो जनरली ये मेथड होता है, ठीक है। दूसरा इसी का है बाई यूजिंग सीड ड्रिल्स, बाई यूजिंग सीड ड्रिल्स। तो जो सीड ड्रिल्स होता है, सीड ड्रिल्स, अब ये देखिए थोड़ा सा अलग मेथड है उससे। सीड ड्रिल्स आप देखे होंगे, पीछे हम बताए भी थे कि जैसे इसमें फरो बने होते हैं, जैसे हल या सीड ड्रिल्स के थ्रू जब बोया जाता है, तो ये जब चलता है तो इसमें ये फनेल लगे होते हैं, जिसमें से सीड्स क्या होता है, इस फरो के अंदर जो रो बन रहा है ना, उसके अंदर वो सीड्स गिरते रहते हैं, और समान मतलब इक्वल डिस्टेंस और इक्वल डेप्थ पे गिरते जाते हैं, जिससे हमारा जो सीड है ना कम मात्रा में यूज होता है ना। तो इस तरह से बेटा आज हम लोग पढ़े हैं क्या, बेसिक प्रैक्टिस में, ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन के कुछ पॉइंट्स, जैसे पहला पढ़े हम लोग सेलेक्शन ऑफ लोकेशन एंड नेचर ऑफ सॉइल, दूसरा हम लोग पढ़े प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, तीसरा हम लोग पढ़ लिए सीड सेलेक्शन, ठीक है, एंड सोइंग। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।